किराना दुकान या जनरल स्टोर में कमाई के 10 तरीके जिन्हें फॉलो करके आप अच्छी खासी आमदनी बना सकते हैं। यानी आपका भी किराना या जनरल स्टोर का बिजनेस है और आप इसमें कमाई के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, इनमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। यदि हमारे इन सुझाव से आपकी आमदनी बढ़ने में या बिजनेस को समझने में मदद मिलती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए जानते हैं किराना या जनरल स्टोर में कमाई के 10 तरीकों के बारे में। प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाएं। अपनी दुकान का प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना, ये तो हर कोई जानता है। प्रोडक्ट्स बेचने और उससे इनकम कमाने के लिए तो बिजनेस किया जाता है, तो ये सबसे पहला और मुख्य जरिया है इनकम बनाने का, क्योंकि 85% से 95% तक की आमदनी यहीं से बनती है। बाकी के 9 तरीकों में 5% से 15% तक की इनकम बनाई जा सकती है। ये साइड इनकम या बचत इनकम होती है जिससे आप अपने पूरे बिजनेस को मेंटेन भी कर सकते हैं। प्राइस कलेक्शन प्रॉफिट। मार्केट से अगर हम प्राइस इंफॉर्मेशन पता करके कम कीमत में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस वस्तु की रिटेल बिक्री करने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी अपनी दुकान के सामानों की खरीदारी करें तो आसपास के दुकानदारों और जानकारों से बात जरूर करें। इससे आपको सामान खरीदने की सही लागत पता होगी और आप अपना मुनाफा कमाकर बेचने के लिए उतार सकते हैं। क्वांटिटी बेस मार्जिन। प्रोडक्ट बेचकर तो कमाई होती ही है, लेकिन अगर हम सामान खरीदने में थोड़ा दिमाग और मेहनत लगाएं तो हम यहाँ से भी कमा सकते हैं। जब भी दुकान का सामान खरीदें, कोशिश करें कि होलसेल मार्केट से सामान उठाएं। होलसेलर से आपको सही दाम में माल मिल जाएगा, साथ ही आप इसे अपने मार्जिन के हिसाब से रिटेल भी कर सकेंगे। होलसेल में आपको बहुत अधिक लागत में अच्छा माल मिल जाएगा। तेजी मंदी की कमाई। बाजार में मंदी और उछाल आने की अक्सर खबरें आती हैं। हाल ही में बड़ी इलायची के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में अगर आपने पहले से ही बड़ी इलायची खरीद कर रखी हुई है और आप आज के दाम में मार्केट में बेचते हैं तो आपके मार्जिन में बैठे बैठे उछाल आ जाता है, तो आप कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में मंदी की वजह से भी कमाई कर सकते हैं। कूपन स्कीम या बम्पर टारगेट सेलिंग स्कीम। सेलिंग बढ़ाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफर्स आ जाते हैं, सामानों में छोटा मोटा या फिर भारी भरकम डिस्काउंट मिलने लगता है। ऐसे में आप भी अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कूपन स्कीम या फिर बम्पर टारगेट सेलिंग स्कीम ला सकते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा। ट्रैक से हटकर इनकम। कुछ ऐसे ग्राहक जो आपसे लगातार जुड़े हुए हैं, यानी विश्वसनीय ग्राहक हैं, जो आपकी शॉप से ही सामान खरीदते हैं, ऐसे में अगर उन्हें कोई अलग से सामान चाहिए या कोई ऐसे ब्रांड का सामान चाहिए जो आपकी शॉप पर नहीं है, तो आप अपने ट्रैक से हटकर उनका ऑर्डर लेकर उन्हें उनके मन का सामान लाकर दे सकते हैं। ऐसे में ग्राहक आप पर और विश्वास करेगा और इससे आपकी अपनी इनकम भी बन सकती है। खाली कट्टे या बोरी से होने वाली आय। जब भी ग्राहक किसी शॉप से सामान खरीदता है तो दुकान का एक सवाल होता है, क्या आप अपने साथ कोई बैग लाए हैं जिनमें ये सामान पैक कर दूं? ऐसे में अगर ग्राहक बैग नहीं लाया होता है तो आप अपनी तरफ से कुछ पैसों में बैग दे देते हैं। इस तरह से आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। तेल या अन्य वस्तु के खाली टीन के डब्बे, कार्टन या गत्ते से मिलने वाली शुद्ध इनकम। खाली तेल के डिब्बे या अन्य वस्तुओं के डिब्बे, कार्टन या गत्ते को आप कबाड़ी वाले को देकर एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। कैरी बैग और रस्सी की रीयूज वाली बचत इनकम। जब भी सामान आपकी शॉप पर आता है, अच्छे बॉक्स और रस्सी को आप रीयूज करके इनको दोबारा खरीदने से बच सकते हैं। ये पैसा बचाने का एक तरीका हो सकता है। एयर बैग या प्लास्टिक और ग्लास के जार से होने वाली इनकम। एयर बैग या प्लास्टिक और ग्लास के जार जो दिखने में अच्छे होते हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता है, कस्टमर को बेचकर आप इनकम बना सकते हैं। अक्सर इस तरह के एयर बैग या प्लास्टिक और ग्लास के जार को देखकर कस्टमर बोलते हैं कि जब ये खाली हो जाए तो हमें दे दीजिएगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।